हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आर यू वेल चिल्ड्रन, ऑल आर यू वेल। आज चिल्ड्रन में आपके जो इंग्लिश ग्रामर में जो आपका चैप्टर द प्री पोजिशन आपके पोस्ट मिड टर्म में एग्ज़ाम में आएगा, मैं उसकी रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो प्री पोजिशन फर्स्टली होती क्या है? प्री पोजिशन इज अ वर्ड दैट इज़ यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्री पोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं सेंटेंस में, और इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, और ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करते हैं एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस और अन्य शब्दों से जो वाक्य में होते हैं। चिल्ड्रन, आपके जो सब्जेक्ट है, आपके जो पोर्शन है 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 3 टाइप्स बताए गए हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि हमें जगह के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि समय के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट एंड डायरेक्शन, जो कि मोमेंट और डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि जैसे कि इस पे जगह है हमारा एट द वाइल्ड गेट, इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, नेक्स्ट टू द गेट एटसेट्रा के बारे में बताएगा हमें, ठीक है। तो अब हम जो आपकी एक्सरसाइज आपकी एग्जाम्स में आनी है उनकी रिवीजन करेंगे, क्लियर। तो आपकी ए एक्सरसाइज जिसमें आपको प्रीपोजिशन पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। मैंने आपको पहले भी ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है चिल्ड्रन, तो आज रिवाइज हो रहा है आपका ये चैप्टर। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन, आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपको प्रीपोजिशन पे अंडरलाइन करना है। आई विल टेक जस्ट अ मिनट ऑफ योर टाइम, तो यहाँ पर ऑफ क्या है चिल्ड्रन, हमारे आई विल टेक जस्ट अ मिनट और टाइम, यानी कि टाइम के बारे में मैं बता रहा था, ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है। योर टीचर विल डिस्कस द आंसर, तुम्हारी टीचर जो है आंसर को डिस्कस करेगी आफ्टर यू फिनिश योर वर्क, जब तुम अपने तुम्हारे कार्य को समाप्त करने के बाद। आफ्टर हमारा क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। दे अराइव्ड ऑन संडे, संडे यानी कि टाइम को बता रहा है ऑन, तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। ही जाउस वाज ओवर द शॉप, उसका अगर शॉप के ऊपर है तो ओवर हमारा क्या कर रहा है, इन दोनों में रिलेशन शो कर रहा है, तो ओवर हमारा प्रीपोजिशन है। द क्लास स्टार्ट एट 10 AM, 10 AM को एट शो कर रहा है, एट हमारा प्रीपोजिशन है। माई सिस्टर हैज़ नो लाइकिंग फॉर स्वीट्स, फोर चिल्ड्रन हमारा प्रीपोजिशन है। बाम इज़ ए गुड रेमेडी फॉर कोल्ड, बाम की जो गुड रेमेडी है कोल्ड के लिए, फोर हमारा प्रीपोजिशन है। वी शुड बी काइंड टू द पुअर, अब वी शुड बी काइंड और पुअर में रिलेशन टू शो कर रहे हैं, तो टू चिल्ड्रन हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आई एम ऑनेस्ट टू माई नेशन, मैं ईमानदार हूँ अपने नेशन के प्रति, तो टू हमारा जो है प्रीपोजिशन है। द बेबी इज हैबिचुअल टू कार्टून नेटवर्क, जो बच्चा है वो कार्टून नेटवर्क का हैबिचुअल है, टू हमारा प्रीपोजिशन है। माई सिस्टर के, मेरी सिस्टर जो है बस के द्वारा आई है, तो बाय हमारा प्रीपोजिशन है। द रूम इज हीटेड बाय इलेक्ट्रिक हीटर, जो रूम है गर्म किया गया किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा, तो बाय हमारा चिल्ड्रन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। शी इज़ डाउन विथ फीवर, वह डाउन हो गई फीवर की वजह से, फीवर के साथ, तो विद हमारा प्रीपोजिशन है। द बॉय इज वॉकिंग, बच्चा चल रहा है किसके साथ, विद अ वुडन लेग, तो विद चिल्ड्रन हमारा प्रीपोजिशन है। ये तो एक्सरसाइज थी जिसमें आपको अंडरलाइन करना था, अब जो एक्सरसाइज है हमें इसमें अप्रिशिएट प्रीपोजिशन को फिल करना है। आई कांट थिंक डैश टीजिंग एन एनिमल, मैं कभी भी नहीं सोच सकता क्या, ऑफ टीजिंग एन एनिमल, एनिमल्स को सताने के लिए, ठीक है। ही इज़ वर्किंग, वह काम करता है कहाँ पर, एट द यूनिवर्सिटी, एट पर। माई फ्रेंड लिव्स, मेरी फ्रेंड जो है रहती है आज़ादपुर, एट आज़ादपुर इन दिल्ली। बच्चों जब दो जहाँ पर जगह के नाम आ जाते हैं, प्लेसेस के नाम आ जाते हैं, तो फर्स्ट में हमें एट और सेकंड वाले में हमें इन यूज करना है। द पेशेंट डाइड, जो पेशेंट है हमारा किसके द्वारा, कोलेरा, यहाँ पर आप बाय भी लिख सकते हैं, विद भी लिख सकते हैं, बाय कोलेरा। वी रीच स्कूल, यहाँ पर समय बताया गया है तो हम एट का यूज़ करेंगे। यस्टरडे वी वर सो टायर्ड दैट वी स्लेप्ट, मैं आज इतना थक गया था कि मैं विद इन 2 आवर्स, विद इन यानी कि 2 घंटे के बीच में ही मैं सो गया। द डॉग वाज टाइड, अब डॉग को बांधा गया, बाय अ पोल या विद अ पोल, दोनों लिख सकते हैं हम। द गेस्ट केम एंड सेट विद मी, अब गेस्ट आया और मेरे साथ बैठ गया। वट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसके लिए देख रहे हो, क्या देख रहे हो। वट आर यू लुकिंग फॉर, द बॉक्स वाज फुल विद मनी, अब जो बॉक्स है पैसों से भरा हुआ है।
दिस बुक इज, अब यहाँ पर भी देखेंगे दिस बुक इज एट नो यूज फॉर मी, मेरे लिए इसका कोई भी यूज नहीं है। माई फ्रेंड हैज बीन इल फॉर फोर डेज। बच्चों यहाँ पर जो फोर डेज है आपको मैंने टेंस कराए हुए हैं, टेंस में सिंस और फोर, आपको पता होगा फोर जो है अनिश्चित समय के लिए और सिंस निश्चित समय के लिए आता है। तो फोर डेज कौन से हैं, आई डोंट नो, तो ये अनिश्चित है तो इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज किया। अब चिल्ड्रन जो आपको एक्सरसाइज दी गई है इसमें साइड में ब्रैकेट में आपको प्रीपोजिशन दिए गए हैं, आपको एप्रिशिएट प्रीपोजिशन जो है करेक्ट प्रीपोजिशन आपको इसमें फिल करनी है। द एम्प्लॉई इन्वाइटेड हिज बॉस, एम्प्लॉई ने इन्वाइट किया अपने बॉस को किसके लिए, फॉर लंच, ठीक है। शी विल फॉल वे शी विल फेल, वे फेल है किसमें, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, ठीक है। द बेबी वाज सफरिंग, जो बच्चा है बीमार है किसके, किससे, फ्रॉम फीवर से। दिस बुक बिलोंग, ये बुक जो है बिलोंग्स के साथ चिल्ड्रन हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। माई फ्रेंड हैज बीन इल, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर मंडे जो है निश्चित है इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया। शी हैज बीन इल, यहाँ पर सेवन डेज हमारे अनिश्चित हैं इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज़ किया। आई गो टू स्कूल, मैं बस के द्वारा जाता हूँ। बाय ही गोज टू स्कूल ओन फुट, ओन फुट का मतलब है वह पैदल जाता है। बिसाइड ऑल द फोर्स, इन सारे फोर्स के अतिरिक्त मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आस्था इज़ वेरी गुड, आस्था जो है मैथ में बहुत अच्छी है, बट आई एम गुड इन मैथ्स। यहाँ पर आप देखेंगे जब दो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो पहले में एट और बाद में हम इनका यूज़ करते हैं। इसी तरह चिल्ड्रन आपका आई एम स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर भी देखेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग एट इंग्लिश एंड आई हेल्प हर फॉर इट, मैं इंग्लिश में मजबूत हूँ इसलिए मैंने उसकी सहायता की। वी आर प्राउड, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो ये जो तीन तीन वाले आपके प्रीपोजिशन है चिल्ड्रन, ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे, इसी तरह ये भी नहीं आएगा, और जो ये एक्सरसाइज है ये भी आपकी एग्जाम्स में नहीं आएगी। तो जो मैंने आपको रिवाइज कराई है प्रीपोजिशन, आपको उसे बड़े उन्हीं एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से समझना है, करना है, और बहुत माइंड सेट का यूज़ करते हुए आपने इस पर फिल करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।